हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। उसके लिए रेडीमेड बैटर मैंने ये ले लिया है। मैंने इसको भिगो के रखा था एक रात के लिए, उसमें दही डालकर। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। अच्छे से हम उसको मिक्स कर देंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको भिगो कर रखा था। ये रेडीमेड बैटर भी आपको मिल जाएगा और ये मैंने आटा लिया है उस और उसको मैंने रात को भिगो कर रखा था छाछ में, बटर मिल्क में। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, मैंने इसमें ऐड किया है। जैसा आपको पसंद है उसके हिसाब से आप उसमें ऐड कीजिए। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से उसको अब हमने मैटर बैटर को मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें ये इनो ऐड करेंगे। इनो डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका जो ये बैटर जो थोड़ा सा खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। इसमें अच्छे से मैंने उसको मिक्स कर लिया। फिर हम एक ये डिश ले ली, उस पर हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। फिर हम इसमें जो बैटर हमारा रेडी है उस पर हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसको स्टीम करने के लिए करीबन 10 से 15 मिनट तक आपको रखना है, डिपेंड है आपके बैटर के ऊपर। ये हमने ये डिश ट्रे में निकाल लिया है, हम इसको स्टीमर में डाल देंगे। 10-15 मिनट तक उसको अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। सो हमारे यहाँ पर हम ढोकले देखेंगे। देखो ये जो हमारे ढोकला है वो रेडी हो गए। मैंने उसको एक सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है और उसको हम इसमें जो सींग तेल आता है वो मैंने इसके ऊपर डाला है। फिर हम इसमें ऊपर जो लाल मिर्च है या तो फिर आप अचार मसाला भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है ये। और प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय।